जय हिंद। आरआरबी एनटीपीसी के जो आंसर की आने के बाद हम जो कट ऑफ का डिसाइड कर रहे थे, आज आज के सीरीज में हम लोग अहमदाबाद जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अहमदाबाद जोन है उसके लेवल 6 का, लेवल 5 का, लेवल 3 का, लेवल 2 का हम डिसाइड करेंगे। लेवल 4 को मैंने कंसीडर नहीं किया है एज ए, क्योंकि वहाँ पे लेवल 4 में कम वैकेंसी बहुत कम है, तो आप उतना ही रहेगा कट ऑफ। तो यहाँ पे हम लोग लेवल सिक्स के वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, और कहाँ पे अहमदाबाद जोन में कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कितने पे आपको तैयारी करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला पहला यहाँ पे है आपका अहमदाबाद जोन, यहाँ पे अहमदाबाद जोन है। और यहाँ पे जो लेवल सिक्स की जो वैकेंसी यहाँ पे उसके आपका 298 है, यानी 300 के आसपास आपके लेवल सिक्स की वैकेंसी है। और ये स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। किसकी है? स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। एज रिस्पेक्ट अहमदाबाद जोन जो है यहाँ पे एक लो कट ऑफ जोन में आएगा। और यहाँ का जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में जो आपका जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी में, वो आपका 77 से 80 नंबर रह सकता है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में। फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात करूँगा कि अगर आपका इतना बन रहा है, 77 से 80 बन रहा है, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के चांसेस बन जाते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर बात करते हैं तो वही जो नंबर है आपका 65 से 68 हो जाता है। ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो ओबीसी कैटेगरी में आपका 70 से 75 हो जाता है। वही बात है आपका एससी कैटेगरी के लिए, आपको 60 से 65 नंबर के बीच में आना चाहिए नंबर। और एसटी कैटेगरी में जो आपका 55 से 60 हो जाएगा। अगर आपका इन इन नंबरों के बीच में आपका नंबर लाइक कर रहा है, तो आप जो है लेवल 6 के लिए सेफ कैटेगरी में आ सकते हैं। कहाँ पे? अहमदाबाद जोन में। बात करते हैं आपका स्टेशन मास्टर का। इसका तो स्टेशन मास्टर जो आपका जो पोस्ट है, यहाँ पे आपको मेडिकल स्टैंडर्ड जो आपका A2 मांगा गया है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड माना जाता है आँखों के लिए। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम लोग जो आपका जिनका भी चश्मा लगा हुआ है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चांसेस हो सकता है कि जो लोग चश्मा पहने हैं उनको यहाँ पे जो है सेलेक्ट होने का चांसेस बहुत कम होगा। और यहाँ पे आप लोग को जो जिनका मार्क्स कम होगा वहाँ पे उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। एक तो बात ये रहा। दूसरा है आपका कि आपको आपको जितना भी नंबर है, कम नंबर आ रहा है चाहे ज़्यादा नंबर है, आपको साइको की तैयारी अच्छे से करनी है, टाइपिंग की तैयारी अच्छे से करनी है। साइको के लिए आपका डेट निर्धारित हो गया, 30 जुलाई को होने वाला साइको। तो बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा है लेवल सिक्स के लिए, लेवल सिक्स का 300 वैकेंसी है। और यहाँ पे जो है आपका नंबर इतना पे लाइक होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एक सीट जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में दिखे। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा आपका जो लेवल है, लेवल नंबर 5 है। और लेवल 5 में भी आपका 294 यानी 290 के आसपास सीट है, यानी 300 के आसपास सीट कह सकते हैं कि लेवल 5 में है। और लेवल 5 में कौन कौन सा आएंगे? गुड्स कार्ट आ जाएगा, फिर आपका जो आपका एक टाइपिंग वाला पोस्ट आएगा, फिर नॉन टाइपिंग पोस्ट आ जाएगा, लेवल 5 में ही आएगा। तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका 77 से 80 के बीच में आ रहा है तो आपका यहाँ पे आप सिक्योर जोन में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 65 से 68 आ रहा है तो आप सिक्योर जोन में है। फिर आपका ओबीसी कैटेगरी में आपका 70 से 75 बन रहा है तो भी आप सिक्योर हैं। और एससी एसटी में आपको, अगर एससी में आपका 60 से 65 है और एसटी में आपका 55 से 60 है, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सिक्योर हो सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखें आपका लेवल 5 के लिए। बात करते हैं अगर हम यही जोन अब लेवल 3 में देखते हैं, जो कि नॉन टाइपिंग पोस्ट था है भी आपका अनरिजर्व कैटेगरी में, उसके लिए उसका जो है कट ऑफ कम जाएगा। और ये जो है 75 से 77 के बीच में रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी का। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो 65 से 68 के बीच में रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का बात करते हैं 70 से 75 के बीच में रहेगा। और एससी का बात करते हैं तो एससी जो होगा आपका 60 से 65 के बीच में होगा, और एसटी होगा आपका 55 से 60 के बीच में। और ये हम बात कर रहे हैं फाइनल मेरिट लिस्ट का बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा लेवल 2 का। तो लेवल 2 की वैकेंसी जो आपका 150 है अहमदाबाद जोन की। और यहाँ पे जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का जाने का चांसेस है 75 से 77 जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 65 से 68 जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में आपका 70 से 75 जाएगा। और एससी कैटेगरी में आपका यहाँ पे 60 से 65 जा सकता है। और यहाँ पे जो है आपका एसटी कैटेगरी का कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा आपका एसटी कैटेगरी का होगा कितना होगा, तो एसटी कैटेगरी का आपको 55 से 60 यहाँ पे मार्क्स मांगा गया है। तो यहाँ पे अगर आपका नंबर जो है इतने इतने जोन के बीच में आ रहा है तो आप जो है लेवल 2 के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। और याद रखिएगा, पहले जो आपका याद होगा, पहले लेवल 6 का आएगा रिजल्ट, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2, ऐसे करते हुए रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आएगा सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा लेवल 6 से जाएगा, और सबसे कम कट ऑफ जाएगा आपका लेवल 2 का जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिक्रीज करते हुए जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अहमदाबाद जोन का फिर से देख लेते हैं एक बार। लेवल 6 के लिए कितना हो जाएगा, तो आपको 77 से 80 आना चाहिए आपका जनरल कैटेगरी में। फिर है लेवल 5 के लिए आपको 294 आना चाहिए आपका 294 लेवल 5 में के लिए। और यहाँ पे लेवल 3 के लिए आपको 282
पोस्ट है तो 75 से 77 आना चाहिए, और यहाँ पे आपका 150 से आपका 75 से 77 यहाँ पे आना चाहिए। बात है यहाँ पे कि आपका आपका जो है जितना भी नंबर आ जाए, देखिए EWS कैटेगरी हो चाहे SC हो चाहे ST हो, अगर आपके पास जितना भी नंबर आ रहा है आप उस सब के लिए अगर टाइपिंग करी जाते हैं तो टाइपिंग आपको टाइपिंग अच्छे से सीखना होगा। टाइपिंग पे आप बिल्कुल ही कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको 1 से 2 महीने टाइपिंग का चांसेस मिलेगा, और चांसेस ये भी हो सकता है कि आपका टाइपिंग जो होगा आपका ग्रुप डी एग्जाम के बाद होगा, ग्रुप डी एग्जाम के बाद होगा। तो विश करते हैं कि अच्छे से आप लोग टाइपिंग का प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।